डियर स्टूडेंट्स आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो वर्ड है वो आपने बहुत सुना होगा ठीक है आज हम जानेंगे मल्टीमीडिया बेसिकली होता क्या है ठीक है जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे आइए देखते हैं वाट इज मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है मल्टी प्लस मीडिया मल्टी का मतलब मैनी और मोर देन वन यानी एक कई सारे या एक से ज़्यादा मल्टी का मतलब है कई कैस, कई सारे या एक से ज़्यादा और मीडिया का मतलब है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन का मीडियम मतलब एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन के जो मीडियम होते हैं उन्हें मल्टीमीडिया कहते हैं मल्टीमीडिया इज ए मीडिया एंड कंटेंट दैट यूजेज ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म मल्टीमीडिया एक मीडिया है और कंटेंट है जो कि कई डिफरेंट कंटेंट्स या फॉर्म्स का कम्बिनेसन है द टर्म इज़ यूज इन कॉन्ट्रास्ट टू मीडिया विच द टर्म यूज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू मीडिया विच ओनली यूज़ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रिंटेड और हैंड प्रोडूसड मटीरियल जो कॉन्ट जब पहले जब हम मीडिया को यूज़ करते थे तो उसका मतलब होता था कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म है प्रिंटेड और हैंड प्रोड प्रोड्यूस्ड मटीरियल की यानी कि परम्परागत फॉर्म है जिससे हम लिख हाँ कर या किसी को हाथ से बनाकर उस मटीरियल को हम मीडिया के तौर पर यूज़ करते थे मल्टी मीडिया इंक्लूड ए कम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया जो है वो कुछ फीचर्स का कम्बिनेशन है जो इसके फीचर्स हैं वो हैं टेक्स्ट ऑडियो स्टिल इमेज एनिमेशन वीडियो इंटरएक्टिविटी कंटेंट फॉर्म्स ठीक है इनका कम्बिनेशन है ये अब हिस्ट्री की बात करते हैं मल्टी मीडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कैसे आया उसकी बात करते हैं द टर्म मल्टी मीडिया वाज फर्स्ट यूज बाई बॉब गोल्ड इन जुलाई नाइनटीन नाइनटी सिक्स टू प्रमोट ओपनिंग ऑफ हिज लाइट वर्क जो मल्टी मीडिया टर्म है वो सबसे पहले बॉब गोल्डस्टिन ने जुलाई नाइन्टी सिक्स में प्रमोट किया था जिस जब उन्होंने अपनी लाइटिंग का वर्क का काम ओपन किया था नाइनटीन सेवनटी द टर्म वाज यूज टू डिस्क्राइब प्रजेंटेश मल्टी प्रोजेक्टर स्लाइड शोज टाइम्ड टू एन ऑडियो ट्रैक 1970 में जब मल्टी प्रोजेक्टर स्लाइड के थ्रू प्रेजेंटेशन किए गए थे किसी टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए उसमें ऑडियो ट्रैक के लिए और टाइम यूज़ के लिए मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया था देन नाइनटीन मल्टीमीडिया टुक ऑन इट्स करंट मीनिंग उन्नीस में मल्टीमीडिया ने अपना करंट मीनिंग प्राप्त कर लिया था पा लिया था टेन वॉग टेन बॉन डिक्लेयर मल्टीमीडिया एज कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक आर्ट साउंड एनिमेशन एंड वीडियो दैट इज़ डिलीवर्ड बाय कंप्यूटर टेन बॉन टेबॉम बॉन ने डिक्लेयर किया कि मल्टी जो है वो कम्बिनेशन है टेक्स्ट का टेक्स्ट मतलब लिखित लिखित फॉर्म का ग्राफिक आर्ट यानी जो हम आर्ट्स वगैरह बनाते हैं ग्राफिकली उसका साउंड का एनिमेशन का और वीडियो का इसका जो कम्बिनेशन है वो मल्टीमीडिया कहलाता है ठीक है तो इस तरीके से मल्टी हमारा की हिस्ट्री जो है वो पाई गई ये अब फीचर्स ऑफ मल्टी की बात करते हैं जो फ़ीचर्स हैं मल्टी के टेक्स्ट ऑडियो पिक्चर्स वीडियो एनिमेशन एंड इंटरेक्टिविटी ये कुछ फीचर्स हैं मल्टी के आइए बन बाई बाई इनके बारे में देखते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज एंड फ्लैक्सीबल मीनस ऑफ प्रजेंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एंड कन्वेइंग आइडिया टेक्स्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और फ्लेक्सिबल मीनिंग है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करने या किसी आइडिया को कन्वे करने के लिए यूज़ होता है ओके हम जो कोई भी चीज़ मैसेज लिखना चाहें किसी से कुछ कहना चाहें तो वो हम टेक्स्ट के फॉर्म में या अपने आइडिया को लिख के करना चाहें जाहिर तब हम वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही जाहिर करेंगे प्रजेंट करेंगे टेक्स्ट इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रजेंटिंग द इंफॉर्मेशन और जो टेक्स्ट है वो बहुत जरूरी एस्पेक्ट बहुत जरूरी एस्पेक्ट है बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रजेंट कर सकते हैं ठीक है लाइक ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टी मीडिया डिजाइन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्स्ट कैन आई द डायरेक्ट यूजर्स रीडर्स अटेंसन और डाइवर्ट इट अगर जैसे हर मल्टी मीडिया के जितने भी एलिमेंट हो उनकी तरह टेक्स्ट का भी एक अपना रोल है अगर अच्छी तरीके से एक इफ़ेक्टिव मैनर में टेक्स्ट को लिखा गया है यूज़ किया गया है तो ये यूज़र या जो रीडर है टेक्स्ट को पढ़ने वाला उसके पढ़ने के लिए मजबूर करता है पैदा करता है उसके अंदर कि ये पढ़ना चाहिए ठीक है अब ऑडियो की बात करते हैं ऑडियो क्या है ऑडियो आप जानते हैं जो वॉइस होती है उसे ऑडियो बोलते हैं जब वो हम गाने सुनते हैं चाहे हम किसी की आवाज़ सुनते हैं ऑडियो रेफर्स टू साउंड मल्टीमीडिया कैन इंक्लूड फाइल्स विच कंटेन साउंड्स ऑडियो जो है वो साउंड को रेफर करती है कंटेन और मल्टीमीडिया <coughs> में कुछ फ़ाइल ऐसी होती हैं मल्टीमीडिया में साउंड की कुछ फाइल यूज होती हैं वो ऑडियो के में के पार्ट्स में आती हैं ठीक है थीके? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफन हैव सम ऑडियो ट्रैक जिस तरीके से हम इस समय प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये मेरी जो वॉइस है कुछ ऑडियो ट्रैक इसके साथ में है जो आप सुन रहे हैं वो क्या है एक मल्टीमीडिया का ही एक फ़ीचर है विच मेक इट ईजियर टू पीपल टू अंडरस्टैंड जिससे कि लोग अच्छे से समझ सकें ऑडियो के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर मान लीजिए खाली ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता और मेरी वॉइस नहीं जाती आपके पास तो आप क्लियरली इसे समझ नहीं पाते तो ऑडियो के थ्रू आप इसे क्लियरली समझ सकते हैं तो ऑडियो ऑडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है मल्टीमीडिया का मल्टीमीडिया फ़ोन्स हैव म्यूजिक प्लेयर टू रन ऑडियो म्यूज़िक और मल्टी फ़ोन जो होते हैं उनके अंदर म्यूज़िक प्लेयर होता है जिससे कि हम ऑडियो म्यूजिक सुन सकते हैं सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं कोई भी ऑडियो म्यूजिक हम सुन सकते हैं वेरियस ऑडियो सॉफ्टवेयर इंक्लूड वी एल सी मीडिया प्लेयर रियल प्लेयर एट्सेट्रा और मल्टीमीडिया में कुछ वेरियस सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि बी एल सी मीडिया प्लेयर रियल प्लेयर एट्सेट्रा नेक्स्ट फीचर है पिक्चर्स पिक्चर्स इमेज इज़ ए टू डायमेंशनल स्क्रीन डिस्प्ले पिक्चर या इमेज वो है टू डायमेंशनल स्क्रीन डिस्प्ले है जिसको हम किसी भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को एज वेल एज एज थ्री डी सच एज इस्टेचू ऑफ होलोग्राम और थ्री डी में भी हम पिक्चर्स को यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया में जब किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का लोगो करना हो या होलोग्राम वगैरह हमें प्रेजेंट करना हो तब ग्राफ पाई चार्ट पेंटिंग एटसेट्रा हल कम अंडर इमेजेस ग्राफ हमें प्रेजेंट करना हो पाई चार्ट करना हो पेंटिंग्स प्रेजेंट करनी हो वो भी मल्टीमीडिया का एक पार्ट है जो कि पिक्चर की कैटेगरी में आते हैं इमेजेस आर ए वेरी यूजफुल फीचर ऑफ़ मल्टीमीडिया इमेजेस जो है बहुत ही यूज़फुल फीचर है मल्टीमीडिया का मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन प्रजेंटेशन यूजेज पिक्चर्स और क्लिप आर्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड मल्टी जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम पिक्चर्स का क्लेपार्ट का यूज करते हैं जिससे कि जो यूजर है वो अच्छे समझ जैसे कि मैंने इस स्लाइड में ऊपर देखिए कॉर्नर में मैंने एक पिक्चर लगा रखी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पिक्चर या इमेजेस क्या होती हैं ठीक है ठीके? और ये भी समझ में आएगा इस इमेज में क्या दिखाया गया है वेरियस फाइल फॉर्मेट ऑफ इमेजेस आर इमेजेस के लिए जो फॉर्मेट हैं जिस टाइप की इमेजेस कंप्यूटर सपोर्ट करता है जेपीजी पीएनजी जीआईएफ पी एन जी ठीक है इस टाइप के फाइल फॉर्मेट होते हैं किसी भी पिक्चर के नेक्स्ट वीडियो वीडियो इज ए अनएडिटेड मटेरियल हैज़ इट हैड बीन ओरिजिनली फिल्म बाय मूवी कैमरा और रिकॉर्डेड बाय ए वीडियो कैमरा वीडियो एक अनएडिटेड मटेरियल है जो कि, कि किसी ओरिजिनल फिल्म ओरिजिनल फिल्माया गया है किसी कैमरा के द्वारा या रिकॉर्ड किया गया है वीडियो कैमरा के द्वारा द एम्बेड ऑफ़ द एम्बेडिंग ऑफ वीडियो इन मल्टी मीडिया एप्लीकेशन इज़ ए पावरफुल वे टू कन्वे इन्फॉर्मेशन विच कैन इनकॉर्पोरेट ए पर्सनल एलिमेंट विच अदर मीडिया लाइक जो वीडियो है या एप्लीकेशन है मल्टी मीडिया की वीडियो वो एक पावरफुल तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रजेंट करने जैसे कि हम फिल्मों में कोई मैसेज प्रेजेंट हमें शो करना हो तो हमें उसकी मूवी बना के जैसे फिल्मों में आजकल दिखाया जाता है कि किस कोई ना कोई उसमें एक संदेश होता है मूवी के अंदर इस तरीके से हम ये शो करके लोगों को जागृत करने का काम ये वीडियो कर सकती हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें कुछ डिटेल में समझाना हो तो हम वीडियो के थ्रू समझा सकते हैं इस तरीके से वीडियो जो है एक बहुत ही पावरफुल एक फ़ीचर है मल्टीमीडिया का वीडियो इनहेंस ड्रामाटाइज़ एंड गिव इम्पैक्ट टू योर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को इन्हेंस करता है यानी बढ़ा बढ़ाता है बढ़ावा देता है ड्रामाटाइज करता है मतलब और उसे उसका इम्पैक्ट पावरफुल करता है ठीक है उसे एक प्रभावशाली बनाता है मल्टीमीडिया को वीडियो द एडवाटेज ऑफ इंटीग्रेटिंग वीडियो इन टू ए मल्टी मीडिया प्रजेंटेशन इज द कैपेसिटी टू इफेक्टिव कन्वे ए ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दो एडवांटेजेस है यह है कि हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में की कैपेसिटी को इफेक्टिव बनाने के लिए इफ़ेक्टिवली कन्वे करने के लिए हम मीडिया वीडियो का यूज़ करते हैं नेक्स्ट फीचर है एनिमेशन एनिमेशन इज़ द रैपिड डिस्प्ले ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस यानी कि इमेजेस की को सीक्वेंस में डिस्प्ले करना बहुत तेज़ी से दैट इज़ एनिमेशन हमारा टू डी हो सकता है ठीक है जिससे क्या है हम किसी भी मोमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से शो करते हैं ठीक है द इफेक्ट इज़ एन ऑप्टिकल एल्यूजन ऑफ मोशन ड्यू टू दिनोमिन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन ये एक इफेक्ट है जिसके थ्रू हम जो ऑप्टिकल इल्यूज़न है या मोशन है उसको हम शो करते हैं एनिमेशन के थ्रू ठीक है एनिमेशन एड्स विजुअल इम्पैक्ट टू द मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को एक विजुअल इम्पैक्ट देने के लिए एनिमेशन का यूज़ किया जाता है एनिमेशन आर यूज इन कार्टून साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में एनिमेशन का यूज़ किया जाता है कार्टून अगर हम बनाते हैं तब हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं ओके okay? तो एनिमेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका देन इंटरएक्टिविटी का मतलब है इंटरएक्टिविटी कैन टर्म एज द डायलॉग दैट अकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कंप्यूटर प्रोग्राम इंडिविजुअल और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में जो डायलॉग्स बॉक्स होते हैं वो इंटरेक्टिव कहलाती हैं। मतलब पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल और कंप्यूटर के बीच में कम कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरेक्टिविटी का, का काम किया जाता जैसे है जैसे याहू है गूगल है ये हमारे इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर हैं इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रेफर टू द मल्टीमीडिया अपलिकेशन दैट अलाउ यूजर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट रेदर देन बींग रेसिपियंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीफोन टेक्नोलॉजी सच एज डी एंड डिजिटल टी आर द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंटरेक्टिव मीडिया जो डी वी डी है सी डी प्लेयर हैं और डिजिटल टी वी है वो एग्जाम्पल हैं इंटरेक्टिव के ओके स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना इसके आगे का पार्ट हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे ओके थैंक यू स्टूडेंट्स